हेलो फ्रेंड्स, आई एम धीरेन्द्र पराते, असिस्टेंट प्रोफेसर साई कॉलेज, सेक्टर 6, भिलाई। मैं यहाँ पे आज आपको बताऊँगा फॉर लूप इन सी लैंग्वेज। द फॉर लूप इन सी लैंग्वेज इज़ यूज टू इटरेट द स्टेटमेंट्स और ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज टू ट्रैवर्स द डेटा स्ट्रक्चर लाइक द एरे एंड लिंक लिस्ट। सी लैंग्वेज में हम लोग फॉर लूप का यूज़ किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स और ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, हम लोग को अगर किसी स्टेटमेंट्स को या फिर किसी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को हम लोग को अगर बार बार एग्जीक्यूट करना है, सेवरल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स अगर उसको एग्जीक्यूट करना है, तो हम लोग वहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज टू ट्रैवर्स डेटा स्ट्रक्चर, लाइक हम लोग किसी भी डेटा स्ट्रक्चर्स को अगर ट्रैवर्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करते हैं, लाइक एरे एंड लिंक्ड लिस्ट। अब हम लोग इसको जान लेते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। यहाँ पे सिंटैक्स की बात हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले फॉर हम लोग लिखते हैं। फॉर एक प्री डिफाइंड कीवर्ड अवेलेबल होता है सी कंपाइलर के अंदर, तो हम लोग को ये पहले से मिल जाता है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर, इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में हम लोग सबसे फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब ये होता है कि हम लोग का लूप कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, मतलब हम लोग का लूप की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होने वाली है। देन हम लोग यहाँ पे देते हैं कंडीशन। किसी कंडीशन के आधार पर ही ये लूप रुकता है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इनिशियलाइज करने के बाद इस लूप को हमें कहाँ रोकना है, उसके लिए हम लोग को एक कंडीशन बताना पड़ता है। थर्ड पार्ट है इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जो भी कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट हम लोग को करना है वो कोड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि स्टेप नंबर 1 में क्या एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले फॉर लूप जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर लूप इनिशलाइज होता है। इनिशलाइज के लिए हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल को हम लोग इनिशलाइज कर लेते हैं। इनिशलाइज करना मीन्स उसको वैल्यू देना, लाइक हम लोग आई स्टैंडर्ड हम लोग एक वेरिएबल यूज़ करते हैं इनिशलाइजेशन के लिए, और आई इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से मान के चलिए ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, और कंडीशन हम लोग दे देते हैं कि आई की वैल्यू क्या रहेगी तो वो लूप रुक जाएगा। लाइक हम लोग अगर मान के चलिए आई की वैल्यू हम लोग दे देते हैं 10, अगर आई की वैल्यू 10 हो जाती है तो ये लूप रुक जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू यहाँ पे हम लोग दे देंगे आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10। इस टाइप का हम लोग एक रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करके कंडीशन हम लोग बना लेंगे। देन उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यहाँ पे ये लूप कितने स्टेप्स चलने वाला है वो हम लोग को बताएंगे यहाँ पे। लाइक सिंगल स्टेप चल रहा है तो हम लोग वहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग को नेगेटिव में लेके जाना है, लाइक रिवर्स अगर लूप चलना है, तो वहाँ पे हम लोग डिक्रीमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर प्लस 1 करना है तो हम लोग इंक्रीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंटेक्स था, इसी प्रकार से हम लोग को लिखना होता है। तो स्टेप नंबर 1 में इनिशलाइजेशन होता है, स्टेप नंबर 2 में कंडीशन चेक होता है, देन उसके बाद कोड ऑफ द बॉडी मीन्स ये फॉर लूप की जो बॉडी के अंदर कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है, देन उसके बाद इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होता है। तो ये था सिंटेक्स फॉर लूप का सी लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट हम लोग इसका फ्लो चार्ट जान लेते हैं कि फ्लो चार्ट में किस प्रकार से ये एग्जीक्यूट होता है। फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने का एक फ्लो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले लूप इनिशियलाइज होता है, इनिशियलाइजेशन पार्ट है इसका। देन उसके बाद यहाँ कंडीशन चेक की जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये हमारा कंट्रोल जो है आगे बढ़ेगा और लूप के अंदर के जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर मान के चलिए हमारा कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाता है तो सीधा लूप के बाहर आ जाएगा, कोई भी अदर स्टेटमेंट या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो पूरा हमारा फॉर लूप जो होता है इस कंडीशन पे बेस्ड होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो उसके अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट वैल्यू होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो
लूप वहीं पे ख़त्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है और पूरे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते जो भी हम लोग लूप के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये था फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्राम के लिए। तो हम लोग को अगर अच्छे से प्रोग्राम को समझना होता है कि प्रोग्राम की वर्किंग क्या है, प्रोग्राम की वर्किंग क्या है, तो हम लोग यहाँ पे हर प्रोग्राम के लिए फ्लो चार्ट बना सकते हैं। देन यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है यहाँ पे फॉर लूप के लिए। यहाँ पे हम लोग ने स्टार्ट किया है हैश इंक्लूड stdio.h, जो कि हमारे हेडर फाइल्स है। मेन मेथड हमने ले लिया void main। सबसे पहले एक वेरिएबल हम लोग स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं आई। मैक्सिमम बुक्स में हम लोग देखते हैं या फिर हम लोग कहीं ट्यूटोरियल्स वगैरह में देखेंगे, सब जगह आई यूज़ किया जाता है। एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। जब भी हम लोग एक लूप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड वेरिएबल ले लिया जाता है आई, ताकि हम लोग को पता चले कि आई वेरिएबल लूप में यूज़ होने वाला है। अगर मान के चलिए हम लोग ने कोड लिखा है 10,000 लाइन का, 5,000 लाइन का, अभी तो यहाँ पे 4-5 लाइन के कोड्स दिख रहे हैं। अगर मान के चलिए हम लोग के कोड्स थोड़े लेंदी हो जाते हैं, ठीक है, 1,000 लाइन्स, 500 लाइन्स, इस टाइप की कोडिंग होती है, तो वहाँ पे हम लोग को वेरिएबल को पहचानना मुश्किल होता है कि हम लोग वेरिएबल यूज़ किस में करने वाले हैं। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड वेरिएबल लूप के लिए यूज़ करते हैं आई। सबसे पहले लूप स्टार्ट होता है और फॉर आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 0 था यहाँ पे, अब हम लोग इनिशलाइज कर रहे हैं आई इक्वल टू 1 से, मतलब हम लोग की लूप की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। देन उसके बाद यहाँ कंडीशन हम लोग दे दिए हैं आई इज़ लेस देन 10। आई इज़ लेस देन 10 का मतलब क्या होगा कि हम लोग के लूप की वैल्यू, मतलब आई की वैल्यू जब तक 10 नहीं हो जाती। आई इज़ लेस देन 10 मतलब जब तक 10 या 10 से छोटी वैल्यू होती है आई की, तब तक ये लूप का कंडीशन ट्रू रहेगा, तब तक ये लूप चलते रहेगा। और यहाँ आई प्लस प्लस लिखे हैं, इसका मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई की वैल्यू हर बार प्लस 1 होगी। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग बॉडी में आ जाते हैं लूप की, और यहाँ पे हम लोग ने प्रिंट कर किया है %d/n, और आई की वैल्यू हमने प्रिंट किया है, आई की वैल्यू हमने प्रिंट किया है। तो ये फॉर लूप जो है 1 से स्टार्ट होगा, 1 is less than 10 कंडीशन ट्रू है, ऐसे करते करते 10 तक पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं। हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन, आई इक्वल टू 0 है सबसे पहले, देन उसके बाद यहाँ पे इनिशलाइज हुआ लूप आई इक्वल टू 1 हो गया, मतलब हमारा लूप जहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो गया। 1 is less than equal to 10, 1 is less than equal to 10 कंडीशन ट्रू है, तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। प्रिंट एफ %d और आई, आई की वैल्यू प्रिंट होगी, आई की वैल्यू थी अभी 1, तो हम लोग को आउटपुट में मिल रहा है 1। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 से 2, अब आई की वैल्यू है 2, 2 is less than equal to 10 कंडीशन होगा ट्रू। देन यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट कर देगा, फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब आई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, आई की वैल्यू है 3, 3 is less than equal to 10 कंडीशन ट्रू है। देन उसके बाद आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू 3 प्रिंट हो गई। देन उसके बाद आई की वैल्यू 4 हो जाएगी और यहाँ पे 4 प्रिंट करेगा, फिर से वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर से आई की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 is less than equal to 10, यहाँ पे आके 5 प्रिंट होगा और यहाँ पे हम लोग को आउटपुट में 5 मिल जाएगा। देन उसके बाद इंक्रीमेंट होगी वैल्यू, अब आई की वैल्यू है 6, 6 is less than 10 कंडीशन ट्रू है। देन उसके बाद आई की वैल्यू प्रिंट होगी, आई की वैल्यू है 6, 6 हो गई। देन उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और हो जाएगी 7, 7 is less than equal to 10 कंडीशन होगा ट्रू, उसके बाद हम लोग का आउटपुट में 7 प्रिंट होगा। देन उसके बाद इंक्रीमेंट होगी वैल्यू, आई की वैल्यू हो जाएगी 8, 8 is less than equal to 10
और यहाँ पे आउटपुट में हम लोग को मिल जाएगा 8, आई इक्वल टू 9, वैल्यू इंक्रीमेंट होके 9 हो जाएगी, 9 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, देन उसके बाद वैल्यू 9 प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 10, 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन होगा ट्रू, फिर उसके बाद i की वैल्यू प्रिंट करेगा और वैल्यू हम लोग को 10 प्रिंट करके मिलेगी, फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 11 हो जाएगी, i इक्वल टू 11, 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, और ये लूप जो है एग्जिट हो जाएगा, रुक जाएगा वहीं पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे एक लूप चलता है और हम लोग ने उससे 1 से लेके 10 तक यहाँ पे प्रिंट करके देखा। एक और हम लोग एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन, एक 2 का टेबल हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड stdio.h, हम लोग मेन फंक्शन के अंदर में आ जाते हैं, इंट i इक्वल टू 1, नंबर इक्वल टू 0, हम लोग स्क्रीन से एंटर करेंगे एक नंबर और उसको 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई करेंगे। स्कैनएफ से हम लोग क्या किए, परसेंट d m परसेंट नंबर हम लोग ने एक इनपुट ले लिया, फॉर i इक्वल टू 1 i इज लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस प्लस, लूप हमारा 1 से लेके 10 तक चल रहा है। देन उसके बाद हम लोग इस लूप की बॉडी के अंदर हम लोग प्रिंट ऑफ दे दिए, परसेंट डी स्लैश एन नंबर मल्टीप्लिकेशन बाय आई, मीन्स अगर नंबर मान के चलिए हम लोग 2 डालते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ऐसे करते करते हमारा पूरा का पूरा लूप एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर एंटर करते हैं नंबर 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, डायरेक्टली मैं इसको बता रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 9, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो लूप 1 से स्टार्ट हुआ और 10 तक गया और हर बार जो है मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से। तो इस प्रकार से हम लोग एक लूप को एग्जीक्यूट करते हैं और हम लोग कोई भी स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं, हम लोग को बार बार सेम चीज लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसको लूप के अंदर डाल दें और ऐसा कंडीशन लगा लें उतने बार वो एग्जीक्यूट होते जाएं। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं नेस्टेड लूप्स में, नेस्टेड लूप्स का मतलब होता है कि हम लोग एक लूप के अंदर दूसरे लूप को भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सी सपोर्ट्स नेस्टिंग ऑफ लूप इन सी, नेस्टिंग ऑफ लूप्स इज द फीचर इन सी दैट अलाउज द लूपिंग ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर लूप। Let's observe an example of nesting looping. See, any number of loops can be defined inside the another loop. हम लोग कितने number of loops भी किसी loop के अंदर हम लोग define कर सकते हैं, कोई restriction नहीं होते हैं किसी के भी, हम लोग कितने भी loops, कितने भी level में nested loops हम लोग use कर सकते हैं। The nesting level can be defined at n times. You can define any type of loop inside another loop. For example, you can define while loop inside a for loop. हम लोग for loop के अंदर while loop को हम लोग define कर सकते हैं, for loop के अंदर हम लोग while loop को define कर सकते हैं, while loop को हम लोग for loop के अंदर define कर सकते हैं, कोई restrictions नहीं है, कितने भी loops हम लोग एक loop के अंदर दूसरे loop use कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्स यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक आउटर लूप है, ये आउटर लूप का स्कोप स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है। इस आउटर लूप के अंदर यहाँ पे हम लोग ने इनर लूप लिया है, ये हमारा इनर लूप है। अब इनर लूप हम लोग का कुछ भी हो सकता है, फॉर लूप हो सकता है, व्हाइल लूप हो सकता है या फिर डू व्हाइल लूप हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे आउटर लूप के अंदर में इनर लूप यहाँ पे हम लोग ने डिफाइन कर लिया है। आउटर लूप एंड इनर लूप आर वैलिड लूप्स दैट कैन बी फॉर लूप
वाइल लूप और डू वाइल लूप, कोई भी तीनों में से कोई भी लूप हो सकता है जो हम सी लैंग्वेज में एक वैलिड लूप यूज करते हैं उसमें से। नेस्टेड फॉर लूप, यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है। द नेस्टेड फॉर लूप मीन्स एनी टाइप ऑफ लूप विच इज डिफाइंड इन साइड द फॉर लूप, मीन्स एक फॉर लूप के अंदर दूसरे फॉर लूप। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन, देन उसके बाद अपडेट। अपडेट मीन्स इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। अब इस फॉर लूप का स्कोप यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है। अब इसके अंदर हम लोग ने एक और फॉर लूप यहाँ पे बनाया है, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेट्स। ये इनर लूप के स्टेटमेंट्स है और यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर ये आउटर लूप स्टेटमेंट्स है। तो इस प्रकार का हमारा सिंटैक्स है। इसके बाद हम लोग एक प्रोग्राम यहाँ पे देखते हैं। प्रोग्राम से हमें पता चला गया कि कितने बार लूप चलेगा, अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा, वो सारे चीज़ हम लोग इस एग्जाम्पल से देखेंगे। तो इस प्रोग्राम में हम लोग एक मैट्रिक्स प्रिंट करने वाले हैं, स्टार के मैट्रिक्स। इस टाइप का हम लोग का आउटपुट इसमें नज़र आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉन io डॉट एच, वॉइड मेन में आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, इंट आई एंड जे। आई हम लोग यूज़ करेंगे रोज के लिए, जे हम लोग यूज़ करेंगे कॉलम्स के लिए। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो नेस्टेड लूप होते हैं वो हमेशा रोज़ और कॉलम्स पे वर्क करते हैं। लाइक हमारे जो मैट्रिक्स होते हैं वो हमेशा रोज़ और कॉलम्स पे वर्क करेंगे। लाइक यहाँ पे अगर हम लोग को यहाँ टाइप करना है या प्रिंट करना है रोज़, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। तो इसके लिए हम लोग को रोज़ के लिए सबसे पहले एक लूप लगाना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। कॉलम्स के लिए भी हम लोग को लूप्स हम लोग को यूज़ करने होंगे। तो आउटर लूप जो होगा वो हमेशा रोज़ के लिए चलेगा, इनर लूप जो होगा हमेशा कॉलम्स के लिए चलेगा। दिस मीन्स आउटर लूप क्रिएट्स ओनली रोज एंड इनर लूप क्रिएट्स कॉलम्स। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फॉर आई इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू फाइव। इससे हमें ये पता चल रहा है कि आई वन से स्टार्ट हो रहा है, आई वन से स्टार्ट हो रहा है और आई लेस देन फाइव, मतलब फाइव रोज बनेंगे। फर्स्ट रो आई इक्वल टू वन के लिए, सेकेंड रो आई इक्वल टू टू के लिए, थर्ड रो आई इक्वल टू थ्री के लिए, फोर्थ रो आई इक्वल टू फोर के लिए, फिफ्थ रो आई इक्वल टू फाइव के लिए। पांच रो बनेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इनर लूप के तरफ। जे इक्वल टू वन, जे इज लेस देन इक्वल टू फाइव, जे प्लस प्लस। यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं जे। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने देखा कि प्रिंट एफ, यहाँ पे हम लोग जे लिखे, इसके जगह स्टार होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग स्टार एज्यूम करके हम लोग चलते हैं। देन उसके बाद फॉर आई इक्वल टू वन, आई की वैल्यू वन होगी। देन उसके बाद अंदर वाला लूप एग्जीक्यूट होगा, फॉर जे इक्वल टू वन, जे इज लेस देन इक्वल टू फाइव, जे प्लस प्लस। जे की वैल्यू वन होगी, वन के लिए जे की वैल्यू प्रिंट होगी। देन उसके बाद यहाँ जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू टू होगी। देन उसके बाद फिर से यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा, मीन्स ये वाला स्टार। देन उसके बाद जे की वैल्यू थ्री होगी, जे के लिए यहाँ पे एक और स्टार प्रिंट होगा। देन उसके बाद जे इक्वल टू फोर, देन उसके बाद यहाँ पे एक और स्टार प्रिंट होगा। जे इक्वल टू फाइव, देन यहाँ पे फिर से एक स्टार प्रिंट होगा। तो आई इक्वल टू वन के लिए अंदर वाला लूप 5 बार चला। सेम वैसे ही अब आई इक्वल टू टू हो जाएगा और जे की वैल्यू वापस से वन से स्टार्ट होगी।
जे इक्वल टू वन के लिए एक स्टार प्रिंट होगा, जे इक्वल टू टू के लिए एक स्टार प्रिंट होगा, जे इक्वल टू थ्री के लिए एक स्टार प्रिंट होगा, जे इक्वल टू फोर के लिए एक स्टार प्रिंट होगा, जे इक्वल टू फाइव के लिए एक स्टार प्रिंट होगा। देन उसके बाद आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, आई इक्वल टू थ्री, अब रो नंबर थ्री क्रिएट होगा। देन उसके बाद जे इक्वल टू वन, जे इक्वल टू टू, जे इक्वल टू थ्री, जे इक्वल टू फोर, जे इक्वल टू फाइव। देन उसके बाद फिर से वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई इक्वल टू फोर, फिर देन उसके बाद अंदर वाला लूप चलेगा, जे इक्वल टू वन, जे इक्वल टू टू, जे इक्वल टू थ्री, जे इक्वल टू फोर, जे इक्वल टू फाइव। देन उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होगी आई की, आई की वैल्यू हो जाएगी फाइव। फिफ्थ रो आएगा और जे इक्वल टू वन, जे इक्वल टू टू, जे इक्वल टू थ्री, जे इक्वल टू फोर, जे इक्वल टू फाइव, जे इक्वल टू तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि कैसे नेस्टेड लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।